ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार के भोजपुर में महापर्व छठ की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुका है। नहाए खाए से चार दिन तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर घाटों की सफाई के लिए भोजपुर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। प्रशासन और नगर निगम की अमला मिलकर घाटों की साफ सफाई और दूसरे इंतजामों को चुस्त दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का समस्या न हो इसे लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा और एसपी हर किशोर राय ने खुद शहर के अलग अलग घाटों की निरीक्षण किया और जरूरी इंतजामों को तब वक्त के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि छठ आस्था का महापर्व है, लेकिन लोगों को स्वास्थ्य और सुरक्षा भी उतना ही अहम है। ऐसे में ज्यादातर लोग अगर अपने घर पर ही छठ व्रत रखें और पूजा करें तो यह समाज के लिए अच्छा होगा। जिलाधिकारी ने सरकारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी छठ घाट पर श्रद्धालुओं को पानी में डुबकी लगाने की अनुमति नहीं है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में छठ महापर्व को लेकर जहां श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं जिला प्रशासन की टीम भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रही है, इस पर जोर दे रही है। जिलाधिकारी ने सरकारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी छठ पर घाट पर श्रद्धालुओं को पानी में डुबकी लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में छठ महापर्व को लेकर जहां श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं जिला प्रशासन की टीम भी काफी सामंजस्य था, अंततः होगा साफ सफाई अभी आप देखिए। छठ पर्व के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी की जा रही हैं और जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे साफ सफाई की हो या सुरक्षा की हो और COVID-19 के संदर्भ में जो गाइडलाइंस हैं बचाव की, उसके सभी लोगों को पालन करना है। अधिक से अधिक लोगों से अपील है कि वो लोग अपने घरों में ही रहकर छठ पर्व को मनाएं। बाकी जो व्यवस्था है वो हम लोग की तरफ से है, साफ सुरक्षा की भी व्यवस्था है और स्वास्थ्य की भी हम लोग ने सबके लिए अच्छे से। सर घाट पहुँच रहे, काफ़ी गंदा देखने को मिला गांगी पर, तो साफ सफाई? जी हाँ, सभी घाटों की साफ सफाई की जा रही है और कल तक सभी घाट एकदम दुरुस्त हो जाए। डुबकी लगाने की जो बात की जा रही है सर, वो तो बड़ा एक बहुत जटिल समस्या है। देखिए डुबकी लगाने के लिए क्योंकि मनाही है और किसी भी तरीके का मेला लगाने के लिए मनाही है। लोग आए अपनी पूजा करें और उसी के हिसाब से अपना कार्यक्रम उचित करें। नहाने का इस बार घाट पर अलाउड नहीं किया जाएगा।